सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और पाइए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सीधे अपने मोबाइल फोन पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को सिर्फ एक क्लिक में और केवल कुछ ही सेकंड्स में रिमूव कर सकते हैं और उस फोटो को अपने YouTube थंबनेल के लिए या फिर किसी भी अदर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी ट्रिक मैं बताने वाला हूं दोस्तों, तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो फोटो दिखा देता हूं जिसके बैकग्राउंड को मैं रिमूव करने वाला हूं। तो देखिए, मैंने यहां पे इस फोल्डर में एक फोटो सेव करके रखा हुआ है जिसके बैकग्राउंड को मैं रिमूव करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर्स या फिर मोबाइल के लिए एप्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप किसी भी फोटो को एडिट कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट जो प्रोसेस मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं वो काफी सिंपल है। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट ओपन करना होगा अपने मोबाइल के ब्राउजर में। देखिए, यही वाला वेबसाइट है दोस्तों, इसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर के इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम है स्टिकर म्यूल और काफी अच्छा वेबसाइट है जिसकी मदद से आप किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को सिर्फ एक क्लिक में रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने फोटो को इस वेबसाइट में अपलोड करना होगा और अपलोड करने के बाद जो आउटपुट आपको मिलेगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिलेगा, कोई भी बैकग्राउंड नहीं रहेगा। आप उसे PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दोस्तों साइन इन करना होगा, एक अकाउंट बनाना होगा यहाँ पे, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा साइन इन बटन पे। उसके बाद आप चाहे तो अपने गूगल अकाउंट के द्वारा भी लॉग इन कर सकते हैं या फिर आप नीचे क्रिएट एन अकाउंट बटन पे क्लिक करके एक अकाउंट बना सकते हैं अपने ईमेल एड्रेस के द्वारा। क्रिएट एन अकाउंट बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पे आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस और यहां पे एक पासवर्ड टाइप कर देना है, एक पासवर्ड बना लेना है अकाउंट सिक्योरिटी के लिए और नीचे साइन अप बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका अकाउंट यहां पे बन जाएगा दोस्तों। तो देखिए, अकाउंट बनाने के बाद आपका लॉग इन हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद देखिए, यहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा अपलोड ए फोटो। दोस्तों, अपलोड ए फोटो बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। तो आपको क्या करना है, अपने ईमेल के इनबॉक्स को चेक करना है, उसमें एक स्टिकर म्यूल के द्वारा एक वेरिफिकेशन लिंक आया होगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर लेंगे तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको इस पेज को रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको अपलोड ए फोटो बटन पे क्लिक करना है और आप अपने फोटो को अपलोड कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है अपने कंप्यूटर से। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे ओपन करना है और ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, फोटो अपलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप PNG फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कि बिना किसी बैकग्राउंड के। दोस्तों, इस पेज को अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे जिसे कि आप इस फोटो के बैकग्राउंड के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ऊपर में एक डाउनलोड ऑप्शन है जिसपे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे देखिए कलर ऑप्शन है दोस्तों, जिसपे क्लिक करके आप इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी कलर चाहिए आप उसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे डाउनलोड बटन है जिसपे क्लिक करके आप अपने फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको डाउनलोड फुल इमेज बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका फोटो डाउनलोड हो जाएगा। नीचे देखिए, यहाँ पे ये फोटो डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, PNG फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। और इसका जो क्वालिटी है दोस्तों, देखिए क्वालिटी भी काफी अच्छा है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है क्वालिटी में, क्वालिटी काफी अच्छा हमें मिला है। तो दोस्तों, आप भी इस वेबसाइट को यूज करके अपने किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को इंस्टेंटली रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इससे बैकग्राउंड को रिमूव करना। आपने देखा कि हमने सिर्फ फोटो को अपलोड किया और जो आउटपुट फोटो हमें मिला उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका था। कुछ भी आपको यहाँ नहीं करना है, सिर्फ फोटो को अपलोड करना है और आपके फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया जाएगा। बहुत ही ईजी है और फास्ट भी है। और आप जो फोटो एडिट करने के बाद डाउनलोड करेंगे उसका भी क्वालिटी काफी अच्छा होगा दोस्तों, आप उस फोटो को अपने YouTube थंबनेल्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।